हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोल। बिलासपुर सदर विस क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम जनता बढ़ती महंगाई से इस कदर परेशान है कि उसका जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन जेपी नड्डा ने महंगाई के मुद्दे पर एक भी शब्द बोलना उचित नहीं समझा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने चुनावी चंदे को लेकर कंपनियों को आगे करते हुए बहुत बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने नड्डा के कांगड़ा दौरे को फ्लॉप करार दिया। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अभी दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आए, पहले बिलासपुर आए थे, अब कांगड़ा आए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जो महंगाई की मार से जूझ रही है, लोगों के मकान बनाने मुश्किल हो गए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सीमेंट कंपनियों ने 30 रुपये रेट बढ़ा दिए और 14 दफ़ा रेट बढ़ाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। यह सरकार और कंपनियों का बहुत बड़ा घोटाला है, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहना चाहिए था, प्रदेश सरकार को आदेश करने चाहिए था कि लोगों के जो मकान है वो बनाने मुश्किल हो गए, लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया, लोगों का चूल्हा चौका चलना मुश्किल हो गया, ये रेट कम किए जाए, मकान तभी बनेंगे। और जो गैस के सिलेंडर हैं, कांग्रेस के समय के अंदर जो है 2000 रुपये में 5 सिलेंडर आते थे, आज 2000 रुपये में 2 नहीं आ रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के ऊपर जो है नड्डा जी को प्रकाश डालना चाहिए था। और कोई प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लेके नहीं आए, महंगाई की बड़ी जबरदस्त मार है, लोग जो है वो रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। ये जो 500 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, उस दिहाड़ी में लोगों का जो है रोटी खाना मुश्किल हो गया है, तो मकान कहाँ से बनाएंगे। तो ये चुनावों में चंदा जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने कंपनियों को आगे करके जो है बहुत बड़ा घोटाला किया है। हमारी जेपी नड्डा जी से मांग है कि जब भी आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आए तो इन चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालें। और अभी आपका बेटा जो है एक रोजगार मेला कर रहा है, क्या 4.5 वर्ष के बाद रोजगार मेले की बात आई? हिमाचल प्रदेश के अंदर किस जिला के अंदर आपने कितने रोजगार मेले किए, कितने बच्चों को रोजगार दिया? बिलासपुर के इन चारों प्रोजेक्टों के अंदर, एम्स, रेलवे, फोर लेन और जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप एक बच्चे को रोजगार नहीं दे पाए। तो ये क्या, ये जो रोजगार मेला है, ये सरकारी क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा कि फैक्ट्रियों के अंदर जो है उनका शोषण करने के लिए भेजा जाएगा? ये मैं जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूँ। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।